नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि पुदीना हमारे त्वचा के लिए क्या फ़ायदेमंद रखता है, इसको खाने से क्या फ़ायदा होता है, और दूसरी बात करेंगे कि लू से ये बचाता है, इसके लिए क्या है, हैजा के लक्षणों को का काम करता है, डाइट में यूँ करें पुदीना को, तो पूरी जानकारी हम देंगे। बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, त्वचा पर एक फार्मल हीलर की तरह काम करता है। गर्मी में होने वाली स्किन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पुदीना का सेवन करना चाहिए। पुदीने से तैयार फेस पैक लगाने के झुर्रियाँ और बारीक लकीरें नहीं होती हैं। साइन ऑफ एंजेट यानी कम उम्र में बढ़ती उम्र के लक्षण नज़र आते हैं। पुदीना में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। इससे स्किन जवां बना रहती है। इन लोगों को मुहासे अधिक होते हैं, वो पुदीने की पत्तियों से तैयार पेस्ट चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट से गुलाब जल बेसन भी मिलाएं। इस फेस पैक को 15 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें, फिर पानी से धो लें। इससे त्वचा की अतिरिक्त आयल निकल जाता है, जिससे मुहासे, दाने, फोड़े, फुंसी की समस्या गर्मी में परेशान नहीं करती है। पुदीना स्किन टोनर का भी काम करता है। दूसरा है हमारा, लू से कैसे बचाता है पुदीना। गर्मी में लू से बचाने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। घर के बाहर जाना हो तो पुदीने का रस पिएं, जिससे तैयार शरबत पीकर ही घर से निकलें। लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव होता है। गर्मी में जब भी पेट दर्द हो तो पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिलाकर खाएं, पेट दर्द में आराम मिलता है। हैजा कई बार दूषित भोजन और पानी पीने से होता है। गर्मी से इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें दस्त अधिक होता है। यदि समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो हैजा खतरनाक संबंधित हो जाता है। हैजा होने पर आप घरेलू उपायों में पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की पत्तियों का रस, प्याज का रस, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से आपको ये बीमारी बिल्कुल चली जाएगी। दूसरी बात हम करेंगे, ताज़ी पुदीने की पत्तियों से तैयार हरी चटनी खाएँ। इसमें हरी मिर्च, आंवला, लहसुन, धनिया पत्ती डालकर मिक्स में पीस लें। पुदीने की चटनी भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ ही पेट को शीतलता भी प्रदान कर देगी। पुदीने का काढ़ा भी पी सकते हैं, जिसमें बदहजमी के कारण पेट दर्द नहीं रहता है, उनके लिए एक या ड्रिंक बेस्ट है। पुदीने को सलाद, दही या किसी भी व्यंजन में शामिल कर सकते हैं। पुदीने के पत्तों को पीस लें। इसे एक गिलास पानी में नींबू, नमक डालकर पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता है। आप पुदीने के पत्तों को चबाकर भी खा सकते हैं। तो हमारी किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।